चलिए बेटा, यूनिट 5 चैप्टर 17 आप पढ़ें। दिस इज द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और यहाँ पर हम बात करें सेंट्रल डॉग्मा के बारे में। सेंट्रल डॉग्मा में तीन प्रोसेस आपको पढ़ने हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे रेप्लिकेशन स्कीम के बारे में। आपने ये देखा कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसको प्रूफ किया गया मिजेलसन और स्थॉल के द्वारा प्रोकैरियोट में, और टेलर के द्वारा यूकैरियोट में। आज हम रेप्लिकेशन के बारे में डिटेल में समझेंगे कि रेप्लिकेशन एक्चुअली होता कैसे है। जो रेप्लिकेशन आपके सिलेबस में, ये प्रोकैरियोट का रेप्लिकेशन। यूकैरियोट का रेप्लिकेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम प्रोकैरियोट के रेप्लिकेशन के बारे में ई कोलाई बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन को समझेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जो रेप्लिकेशन है, इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, ये आप सभी जान चुके हैं। एक डीएनए से दो नए डीएनए बनते हैं, इसी को आप कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, आप जानते हैं कि सेल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के नहीं हो सकती। तो इस रिएक्शन के लिए भी जरूरत है किसकी? एंजाइम की। कई सारे एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। एनसीईआरटी एक बता रहा है, सबसे जो मेन एंजाइम है, दिस इज नेम्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम कैसे रखते हैं? क्योंकि तीन एंजाइम ऐसे आने वाले हैं, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जिससे बनेगा वो डिपेंडेंट होगा, और जो बनेगा वो पॉलीमरेज। तो किससे बन रहा है? डीएनए से। तो डीएनए डिपेंडेंट, और बन क्या रहा है? डीएनए। तो डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, आप बताइए ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? डीएनए से आरएनए बनेगा। तो एंजाइम का नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनेगा, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बात समझ में आ रही है? मतलब आप तरीका सीख लें तो एंजाइम के नाम याद नहीं करने होंगे। जिससे बनेगा वो डिपेंडेंट, और जो बनेगा वो पॉलीमरेज। एक बात और कि जिससे बनता है उसे कहते हैं टेम्पलेट। ये वर्ड पिछले टर्म पे आया था, मैंने छोड़ दिया था ना, आज समझ लीजिए। मतलब जिससे सिंथेसिस होने, डीएनए से डीएनए बनना है, तो जिससे बनेगा वो डिपेंडेंट भी है, और जिससे बनेगा वो टेम्पलेट भी कहलाएगा। यानी आप मुझे बताइए, ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट क्या होगा? डीएनए या आरएनए? डीएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए टेम्पलेट होगा। तो ये भी एक छोटा सा नियम है, अगर नहीं याद करेंगे, अगर समझेंगे नहीं, तो याद करना पड़ेगा। और याद करना आपके बस की बात है नहीं, जेनेटिक्स है ये, ठीक है। अब ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये है कितने तरह के? तीन। एक है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये तीन एंजाइम, और इन तीन में से सबसे मेन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, दिस इज द मेन एंजाइम। जब मैंने आपको आरएनए वर्ड का टॉपिक पढ़ाया था, तो आरएनए वर्ड में मैंने एक लाइन आपको बताई थी रिपेयरिंग के बारे में। तो रिपेयरिंग में मैंने पूछा भी था क्वेश्चन आपसे कि रिपेयरिंग कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। This is the repair enzyme. अगर कोई गलती हो जाती है replication के समय, तो उस गलती को सही करने का काम करता है DNA polymerase first. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये enzyme के बारे में बात हो गई। अब ये जो enzyme है, आप देखें कि enzyme कर क्या रहा है। ये enzyme DNA से DNA बना रहा है, और DNA बना किससे? DNA is a polymer of nucleotide. तो DNA कैसे बनाएगा एंजाइम? ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा, जिससे
डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। भाई हर एंजाइम का कोई ना कोई सबस्ट्रेट तो होगा ही ना, और कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। तो ये जो एंजाइम है, इसका जो सबस्ट्रेट है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, और इस न्यूक्लियोटाइड का नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। शॉर्ट में कहते हैं डीएनटीपी। अब जरा समझिएगा, ये लिखा है न्यूक्लियोसाइड, और आप जानते हैं न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट आप जोड़ दें तो न्यूक्लियोटाइड। तो पूरा क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। इसके दो काम है रेप्लिकेशन में, डीएनटीपी के दो काम है। दिस परफॉर्म डुअल फंक्शन, जैसे आपका डुअल सिम का फोन है वैसे इसके डुअल फंक्शन है, दो काम है डुअल फंक्शन। पहला काम एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट का काम करता किसके लिए? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए। तो डीएनटीपी एक्टिंग एज सबस्ट्रेट फॉर द डीएनए पॉलीमरेज। एंड अब इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा ओपन कर रहा हूं। मैंने कहा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड को मैं ऐसे लिख देता हूं डीएन, डीऑक्सीराइबो और एन का मतलब न्यूक्लियोसाइड। अब क्या है? ट्राइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। अब मुझे ये बता दीजिए कि इसमें हाई एनर्जी बॉन्ड कितने हैं? दो। पहला ये और दूसरा ये हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं। तो दो हाई एनर्जी बॉन्ड क्या कहते हैं? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। किसकी तरह? एटीपी की तरह, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीन फॉस्फेट कहने का मतलब है इसमें दो हाई एनर्जी बॉन्ड है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। और ये जो रेप्लिकेशन है, आप बताइए कैटाबोलिक रिएक्शन या एनाबोलिक? एनाबोलिक। और क्या एनाबोलिक में एनर्जी की जरूरत है? बिल्कुल, एनाबोलिक रिएक्शन आर एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, ये पढ़ा चुके हैं आपको चैप्टर 12। और कैटाबोलिक में एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी कंज्यूम होनी है, तो एनर्जी कौन देगा? डीएनटीपी। रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम डीएनटीपी करेगा, क्योंकि इसके पास दो हाई एनर्जी बॉन्ड है। तो डीएनटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी, दिमाग खुला रखें क्योंकि पुरानी बातें चल रही सारी, ठीक है? प्रोवाइड एनर्जी फॉर रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अभी दो बातें मैंने आपको बताई, एंजाइम और सबस्ट्रेट। अब आते हैं एंजाइम, देखते हैं किस तरीके से काम करता है। आप ई कोलाई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जो ई कोलाई है, ई कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। ये बात तो क्लियर आपको याद हो चुकी होगी अब तक, क्योंकि 20 बार मैं बता चुका हूं इस बारे में, ठीक है? इतने बेस पेयर हैं, तो मुझे इतने ही नए बेस पेयर का फॉर्मेशन करना है। मतलब इतने बेस पेयर को मैं जब जोड़ूंगा तब दो नए डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तब एंजाइम की स्पीड देखिए कितनी तेज है। इतने बेस पेयर बनाने के लिए भाई डीएनए के दो स्ट्रैंड मैंने लिए हैं ना, और दो स्ट्रैंड से मुझे दो, इन पे दो नए स्ट्रैंड बनाने, मतलब इतने ही बेस पेयर मुझे और बनाने, नए वाले सिंथेसाइज करने, और इन नए वाले को बनाने का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज किसको जोड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, डीएनटीपी को जोड़ेगा। अब जोड़ने का रेट देखिए कितनी तेज है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये 18 मिनट में इतने बेस पेयर को रेप्लिकेट कर देता है। ये नंबर बहुत ज्यादा है, पता है आपको? 46 लाख न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में केवल 18 मिनट का टाइम लगा इस एंजाइम को। मतलब एंजाइम बहुत तेज है, स्पीड देखिए इसकी।
2000 बेस पेयर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में ये ऐसे 2000 सबस्ट्रेट को जोड़ देता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। आप फोटोकॉपी कर रहे हैं, आप सोचिए कि अगर एक फोटोकॉपी कराने के लिए आप जाते हैं तो 2-4 मिनट आपको लग जाता है, 50 फोटोकॉपी आपको करानी तो हो सकता है 18 मिनट लग जाए, और यहां कितनी कॉपी, 46 लाख, और कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स। ये डेटा पहले एनसीईआरटी में 38 मिनट दिया गया था, बाद में सही किया गया है, गलत था 38 मिनट, अभी से 18 मिनट कर दिया गया है। तो ये एंजाइम बहुत ही तेज है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत ही तेजी से काम करता है, लेकिन तेजी के चक्कर में कहीं गलती ना हो जाए तो ये एंजाइम एक्यूरेसी के साथ भी काम करता है। यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ना केवल तेज है बल्कि एक्यूरेट भी है, ये बहुत ही सटीक तरीके से काम करता है, क्योंकि आप डीएनए बना रहे हो और आप जानते हो कि अगर डीएनए बनाने में एक भी बेस गलत हो गया तो म्यूटेशन, कौन सा, पॉइंट म्यूटेशन, एक भी बेस अगर गलत हुआ तो। फोटोकॉपी आप कराने जाते हैं, अगर 1000 पेज की फोटोकॉपी कराएंगे तो कोई गलती हो सकती है, यहां कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर गलती का मतलब है म्यूटेशन और म्यूटेशन का मतलब है बीमारी, और अगर गलती हो भी गई तो है ना डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और रिपेयरिंग कर देगा। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नॉट ओनली द क्विक बट आल्सो वेरी एक्यूरेट एंजाइम, दिस वर्क विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बहुत ही सटीक तरीके से काम करता है। तो एंजाइम काम करता है विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर हो भी गई ना तो फिर रिपेयरिंग का तरीका भी इसके पास है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत ही तेज है और बहुत ही सटीक है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करता है, क्योंकि यहां पर गलती का मतलब है म्यूटेशन, और म्यूटेशन का मतलब है कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी ऑर्गेनिज्म को। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट की बात हुई, अब चलते हैं एक्चुअल प्रोसेस रेप्लिकेशन का, किस तरीके से होता है इसको देखते हैं। ये जो टेम्पलेट डीएनए, जिस डीएनए से नए डीएनए बनेंगे उसे आप क्या कहेंगे, टेम्पलेट। अच्छा, लास्ट टर्म पे मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने कहा जब भी रेप्लिकेशन होगा तो जो पेरेंटल डीएनए, ये इसी को पेरेंट कहा जाता है, इसी को टेम्पलेट आप कहते हैं, जो टेम्पलेट या पेरेंटल डीएनए, इसके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन करने के लिए था। अब एक्चुअल कहानी क्या है, हमारा जो डीएनए आप जानते हैं ना कितना बड़ा है, 2.2 मीटर, और ऐसा नहीं कि रेप्लिकेशन शुरू होगा तो पूरा डीएनए 2.2 मीटर लेंथ में अलग हो जाएगा, नहीं, इन डीएनए को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो अगर ये 2 मीटर लंबा डीएनए और दोनों स्ट्रैंड को पूरी लेंथ में अगर अलग करना, तो इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी एक ही समय में एक सेल के पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये 2 स्ट्रैंड डीएनए के पूरी लेंथ में अलग नहीं होंगे, इनका केवल कुछ पार्ट ओपन होगा, ठीक है, कुछ पार्ट ओपन होगा। तो ये बात आपके लिए समझनी जरूरी है कि जब एक्चुअल रेप्लिकेशन सेल के अंदर होता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से पूरी लेंथ में अलग नहीं हो पाते हैं, डीएनए का केवल एक हिस्सा ओपन होता है, जैसे इस डीएनए में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देख, इस डीएनए में केवल इतना पार्ट ओपन हो गया, बाकी पार्ट आप देख रहे हैं कि अभी वो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल फॉर्म में है, केवल छोटा सा पार्ट ओपन हुआ है, और जो पार्ट ओपन हुआ है दिस इज नेम्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क, जो हिस्सा ओपन हुआ इसे कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क।
रेप्लिकेशन फॉर्क। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वो फिगर मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जाम में आपसे कैसे पूछा जाएगा। तो एग्जाम में फिगर कुछ इस तरीके का दिया जाएगा। ऐसा फिगर, ठीक है, इस तरह का फिगर एग्जाम में दिया जाएगा। अब आप देखिए यहां से लेके यहां तक, पहले देखिए ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट आपको क्या बता रहा है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में लिपटे हुए हैं, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस आप देख रहे हैं बराबर है, सेम है। अब यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर और ये यहां तक का जो पूरा पार्ट है ये क्या बता रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये वो हिस्सा है जहां पर डीएनए एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के समय पूरा डीएनए सेल का एक साथ एक दूसरे से अलग नहीं होता, मतलब दोनों स्ट्रैंड एक साथ अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। इसलिए रेप्लिकेशन के समय थोड़ा सा डीएनए का हिस्सा ओपन होगा और उसका जब रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा तो उसके अगला हिस्सा ओपन होगा, फिर वहां रेप्लिकेशन हो जाएगा तो उसके आगे का पार्ट ओपन हो जाएगा। तो ये है रेप्लिकेशन फॉर्क। तो मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, रेप्लिकेशन फॉर्क। अब जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए में जो दो स्ट्रैंड होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस वाले स्ट्रैंड का नाम पढ़िए, मतलब 3' to 5' कहेंगे या 5' to 3', क्या पढ़ोगे सर? हाँ, 5' to 3'। क्यों मैं कह रहा हूं 3' to 5' पढ़ते हैं? नहीं पढ़ सकते। इसका तरीका ये है कि हमेशा रेप्लिकेशन फॉर की तरफ से पढ़ोगे आप, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फॉर की तरफ से चलोगे तो ये वाला स्टैंड 5' to 3' और ये वाला 3' to 5'। तो ये हो जाएगा, दिस इज 5' to 3'। और इस वाले स्टैंड को आप क्या कहोगे, 3' to 5'। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर को पता ही नहीं, वो इन स्टैंड को पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है, रेप्लिकेशन फॉर की तरफ से आपको पढ़ना है। अभी ट्रांसक्रिप्शन में कुछ नियम चेंज होंगे। अब जो स्टैंड 3' to 5' पोलैरिटी में है, दिस इज नेम्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड, दिस इज नेम्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड, और जो 5' to 3' है दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे। आपको पता है ना कि दोनों स्ट्रैंड जब अलग होंगे तो इन पे नया डीएनए रेप्लिकेट होगा, नया डीएनए बनेगा। अब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज इस लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए की सिंथेसिस शुरू करेगा इस तरीके से, और ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसके ऊपर भी डीएनए की सिंथेसिस शुरू करेगा, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है इस पे डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनेगा ऐसे। तो लीडिंग स्ट्रैंड पे जो नया डीएनए बनेगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड के लिए हम टर्म यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, और लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो डीएनए हो छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहे दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। और ये जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बने हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे, दिस फ्रेगमेंट्स आर नेम्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट का नाम दिया जाता है, और इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज,
डीएनए लाइगेज, ये एंजाइम बायोटेक से आप पढ़ रहे हैं। तो एक डीएनए पॉलीमरेज है जो पॉलीमराइजेशन कराता है, डीएनए लाइगेज ओका जाके फ्रेगमेंट को जोड़ता है। सब लिखा है आपके पास, छापिए मत, समझिए इस बात को, वरना निकल जाएगा, फिर कभी आएगा नहीं है। अब एक स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रही, एक पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो रही है, दिस इज नेम्ड एज सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा सेमी कंजर्वेटिव पढ़ ही चुके हैं आप, सेमी कंजर्वेटिव और यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन में, एक ये है और दूसरा ये, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, तीन चीजें हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, बाई डायरेक्शनल होता है और सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। कहां पर? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस है? कॉन्टिन्यूअस। जब प्रोकैरियोट पढ़ेंगे तो बाकी दो चीजें सेम रहेंगी, केवल ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आप सोचिए, अगर दोनों स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती तो आप क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस। दोनों पे डिसकॉन्टिन्यूअस होती तो डिसकॉन्टिन्यूअस। एक पे कॉन्टिन्यूअस, एक पे डिसकॉन्टिन्यूअस, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। सेमी का मतलब आधा, एक स्टैंड पे कॉन्टिन्यूअस और एक पे डिसकॉन्टिन्यूअस। ऐसा ही मैंने सेमी कंजर्वेटिव बारे में भी बताया था ना, एक पे एक स्टैंड नया और एक पुराना, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। यहां भी आप देख सकते हो कि हर डीएनए में एक स्टैंड पुराना होगा, एक नया, एक पुराना होगा और एक नया, दो डीएनए बन रहे एक डीएनए से। कुछ और एंजाइम की जरूरत है, उनके नाम जान लीजिए, एनसीईआरटी ने बताया नहीं इस बारे में, ठीक है, लेकिन पूछा जाता है। डीएनए के दोनों स्टैंड को जब हमने अलग करके रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया तो दो स्टैंड आपस में कैसे जुड़े हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा अगर हम दोनों स्टैंड को अलग करना चाहते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, दिस इज नेम्ड एज हेलिकेज, हेलिकेज और अनविंडेज। हेलिकेज और अनविंडेज क्या करता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेकिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता, पहली चीज। दूसरी बात, जब हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों स्टैंड को अलग करते हैं, आप इसको ऐसे समझिए, एक रस्सी आप लीजिए, ठीक है, और एक रस्सी में आप देखते हैं कई स्टैंड होते हैं। अब इन स्टैंड को आप खींच के ओपन कर दीजिए, ठीक है, दो स्टैंड को खींच के ओपन करिए और फिर एक स्टैंड को आप वहीं पे छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? ये अपने ऊपर लिपट जाएगा, मतलब और ज्यादा क्वाइलिंग हो जाएगी। तो यही काम डीएनए में भी होगा। डीएनए के दो स्टैंड को जब ओपन करेंगे और ओपन करके छोड़ेंगे तो ये अपने ऊपर, ये स्टैंड अपने ऊपर लिपट जाएगा और ये स्टैंड अपने ऊपर लिपट जाएगा, आपस में नहीं, ये अपने ऊपर ही लिपट जाएंगे। और अगर अपने ऊपर लिपट जाएगा तो फिर इस पर रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इनको हमें खुला रखना है, और खुला रखने के लिए हमें एक एंजाइम और चाहिए, दिस इज टोपो आइसोमेरेज और डीएनए गायरेज। तो एक एंजाइम का नाम और यहां मैं बता रहा हूं, टोपो आइसोमेरेज और डीएनए गायरेज, डीएनए गायरेज। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बाहर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सब आपके सामने। सबसे बड़ी दिक्कत कहां पे है? लीडिंग और लैगिंग नहीं पता है, स्ट्रैंड आप पढ़ नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आती है। तो उसका तरीका मैंने बताया कि रेप्लिकेशन फॉर की तरफ से आप पढ़ोगे, 3-5 वाला लीडिंग होगा और 5-3 वाला लैगिंग होगा।
लीडिंग पे कॉन्टिन्यूअस और लैगिंग पे डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होगी। डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसाइज डीएनए को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहेंगे और बाद में इन्हें डीएनए लाइगेज जोड़ देगा। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के लिए हेलिकेज और अलग रखने के लिए टोपोइसोमेरेज है। अब कुछ बातें पुरानी बता देते हैं जो आप पढ़ चुके हैं। जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में कब होगा? अच्छा, यूकैरियोट बताइए कब होगा? एस फेज में। डीएनए का रेप्लिकेशन यूकैरियोट में एस फेज में होगा, चैप्टर 13 में आपने पढ़ा। और प्रोकैरियोट में जस्ट बिफोर द फिशन, बैक्टीरिया के डिवाइड करने से पहले। मिजर्सन स्थल में मैंने आपको बताई ये बात, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोट में कोई एस फेज नहीं होती। प्रोकैरियोट में फिशन से पहले, बैक्टीरिया के डिवाइड करने से पहले डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। अच्छा, फिर मुझे बताइए कि क्या डीएनए का रेप्लिकेशन किसी भी जगह से शुरू हो सकता है? नहीं ना, कहां से शुरू होगा? ओराई। डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होगा ओराई से। ओराई इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पढ़ चुके हैं बायोटेक में कि ओराई वो सीक्वेंस है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, और इसीलिए डिजायर डीएनए को वेक्टर के साथ क्यों जोड़ना पड़ता है? क्योंकि वेक्टर के पास ओराई होता है, इसलिए हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ा। अगर डिजायर डीएनए के पास अपना ओराई होता तो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फिर एक बात, और ये बात मैं तीसरी बार पढ़ाने जा रहा हूं, पॉलीप्लॉइडी। पढ़ चुके ना अभी जस्ट कि अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो तो पॉलीप्लॉइडी। अब यहां मैं क्या कह रहा हूं, रेप्लिकेशन होने के बाद सेल डिवाइड ना करे, पॉलीप्लॉइडी। तो ये सब पुरानी बातें हैं, जो नई बातें वो आपके सामने हैं। क्वेश्चन कहां से आता है? लीडिंग, लैगिंग, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, ओकाजाकी और बाकी एंजाइम के बारे में पूछा जाता है। तो रेप्लिकेशन इससे आसान नहीं हो सकता। ये सबसे जो आसान सा तरीका वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। लीडिंग को कैसे पहचानेंगे, लैगिंग को कैसे पहचानेंगे? लीडिंग के लिए 3' to 5' और लैगिंग के लिए 5 to 3। एक को याद कर लीजिएगा, दूसरे में उल्टा कर दीजिए। जैसे आपने लीडिंग याद कर रखा है 3 to 5, तो बस इतना याद रखिए। लैगिंग पूछा जाए तो 5 to 3 वाले को कर दीजिए। स्ट्रैंड को पहचानने के लिए आप यूज करोगे रेप्लिकेशन और का, वरना इधर से पढ़ लिया तो फिर तो गलत हो गया ना। आपने इधर से पढ़ लिया 3 to 5 तो आपको लगेगा ये लीडिंग है और सारा कहानी खराब, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन। और चार तरह के एंजाइम मैंने आपको बताए, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, हेलिकेज एंड टोपोआइसोमेरेज।